अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां नगर निगम में शहरवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा और नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जल कर प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अन्य लंबित प्रकरणों की सुनवाई हुई। शिविर का आयोजन नगर निगम परिसर में किया गया, जहां काफी संख्या में शहरवासी पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाया है। शिविर का उद्देश्य शहरवासियों की समस्याओं का निदान मौके पर ही करना था, जिसके चलते काफी लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण कराया है। आइए दिखाते हैं किस तरह से शिविर में शहर के लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं को निराकरण कराकर संतुष्ट हुए हैं। मेरा नाम अली अहमद खान है। मेरा मकान वार्ड नंबर 33 के में है। 233 नंबर मकान नंबर है। इसका 2 साल का टैक्स बकाया था, इसे मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि आज यहाँ शिविर लगा हुआ है और लोग आकर जमा करें। मैं जमा करने आया तो मुझे बताया कि 8,490 रुपये टैक्स होता मेरा। फिर मुझे एक जानकारी दी गई कि ये जो मकान मेरे पिताजी के नाम से, उनकी डेथ हो चुकी है और अगर मैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ले आऊँ तो माताजी की तरफ से जो टैक्स जमा किया जाएगा उसमें मुझे छूट मिलेगी। तो मैं घर गया, घर जाकर के मैं ये मृत्यु प्रमाण पत्र लाया, ला के जब यहाँ दिखाया गया तो मुझे जो छूट दी गई उसके बाद मुझे कुल 5,500 रुपये टैक्स लगा। तो 8,490 में से आप 5,500 माइनस करें तो लगभग 2,500-3,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ। लगभग कैसा महसूस कर तो बहुत अच्छा लगा आने से, मुझे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं आया, अभी तक मेरे छोटे भाई जमा करते थे, चूँकि वे शिक्षित नहीं हैं तो वो जो बताते थे जमा हो जाता था टैक्स। कहाँ पर मकान है? मकान बताया ना, मैं वार्ड नंबर 33 में, 233 नंबर मकान है, इस्लामी स्कूल के पास में, ये जोन क्रमांक 5 के से लगा हुआ ठीक पीछे का मकान मेरा मकान है। समय से जमा कर देना चाहिए। बिल्कुल, समय से जमा करने से हमेशा फ़ायदा होता है। हाँ, ये शिविर संपत्ति कर और जलकर और किराए के जो प्रकरण लंबित हैं काफ़ी समय से, तो उनके निराकरण के लिए विशेष शिविर आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज लगाया गया है। और इसमें जो भी बकाया है, जैसे लोग कहते हैं कि साहब हमारा निराकरण नहीं हो रहा, तो आ रहे हैं और ये बकाया अपना निराकरण करा के बकाया जमा करा रहे हैं। छूट भी है इसमें? नहीं, अभी तो छूट नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं है, और छूट समय समय पर दी जाती है शासन द्वारा, पर आज कोई छूट विशेष नहीं है। मैं MS सिद्दीकी, राजस्व प्रभारी नगर निगम रीवा। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट, और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.